नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि महासमाधि लेने वाले कौन हैं। जैन धर्म गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज जैन धर्म के प्रमुख गुरु थे। उन्होंने शनिवार की रात करीब 2:30 बजे छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ राजनांदगांव में अपना देह त्यागा है। रविवार 18 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार पूरा हो गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के बाद 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। मुनि जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन कर्नाटक के बेलगाम जिले के सदलगा गांव में हुआ था। दीक्षा के पहले भी उनका नाम विद्यासागर ही था। उन्होंने 22 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ दिया। उसके बाद 30 जून 1968 में को राजस्थान के अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की। मुनि जी दिन भर सिर्फ एक बार एक अंजुली पानी पीते थे। वे खाने की सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी लेते थे। उन्होंने आजीवन नमक, चीनी, फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, सूखी मेवा, अंग्रेजी दवाई, तेल, चटाई का त्याग किया। इसके अलावा उन्होंने थूकने का भी त्याग रखा। उन्होंने आजीवन संसारिक एवं भौतिक पदार्थों का त्याग कर दिया। वे हर मौसम में बिना चादर गच्छे तकिए के सख्त तख्त पर सिर्फ एक करवट में शयन करते थे। मुनि जी पैदल ही पूरे देश में भ्रमण किया। उनकी तपस्या को देखते हुए श्री ज्ञान सागर जी महाराज 22 नवंबर 1972 को उन्हें आचार्य पद सौंपा था। आचार्य विद्यासागर के पिता का नाम श्री मल्लपा था, जो बाद में संन्यास लेकर मुनि मल्लसागर बने। उनकी माता का नाम श्रीमंती था, जो आगे चलकर सन्यासी ले ली और आर्यिका समयती बनी। मुनि उत्कृष्ट सागर जी दिवंगत विद्यासागर जी के बड़े भाई हैं। वहीं उनके भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ ने भी आचार्य विद्यासागर से दीक्षा ग्रहण कर लिया। आचार्य जी संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी और कन्नड़ के परंपरागत थे। उन्होंने जैन एवं दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत के कई ग्रंथ लिखे हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य पर PhD किया। उनके कार्यों का निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह जया शतक, सुनीति शतक और सारमाना शतक शामिल हैं। उन्होंने काव्य मुखमाटी की भी रचना की है। इसे कई संस्थाओं में स्नातक के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया है। वे कभी भी और कहीं भी यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। उसके लिए उन्होंने पहले से योजना नहीं बनाई। वे अक्सर नदी, झील, पहाड़, प्राकृतिक जगहों पर ठहरते थे और वहीं साधना करते थे। आचार्य विद्यासागर अकेले ऐसे मुनि थे जिन्होंने संभवतः पूरे भारत में अकेले सबसे अधिक दीक्षा दी। उन्होंने 350 से अधिक लोगों को दीक्षा दी है। एवं आचार्य विद्यासागर जी धन संचय करने के खिलाफ थे। उन्होंने दान दक्षिणा में कभी किसी को पैसा नहीं लिया। उन्होंने आज तक ना कोई बैंक अकाउंट खुलवाया और ना ही कोई ट्रस्ट भी बनवाया। लोगों को तो यह कहना था कि आचार्य ने पैसे को भी कभी हाथ नहीं लगाया। उनके नाम पर यदि कोई दान देता तो वो उसे समाज सेवा में लगा और जहाँ भी सूखा जगह था वहाँ पर वे स्कूल खुलवाते थे और जैसे हॉस्पिटल्स कुछ कुछ गरीबों के सेवा कार्य करते रहते थे। आचार्य सिंह ने भारत के पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण हेतु कई कार्य को बढ़ावा दिया है। स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की। इसके कारण वही अनगिनत व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आया। जय श्री राम।